क्या एक बार फिर बढ़ने वाली है मशहूर सिंगर शुभ की मुश्किलें? एक हुडी को लेकर क्यों ट्रोल हो रहे हैं शुभ? क्या सच में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मना रहे हैं शुभ? हाल ही में शुभ अपने कॉन्सर्ट के दौरान फिर से ट्रोल हो रहे हैं। एक बार फिर शुभ पर खालिस्तानी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बता दें, लंदन में एक कॉन्सर्ट के दौरान शुभ ने एक हुडी पकड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि उस हुडी में ऐसा क्या है कि जो लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल हुडी में पंजाब का नक्शा बना हुआ है, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या की तारीख भी छपी हुई है। अब घटना पर शुभ का भी बयान सामने आया है, जिसमें शुभ ने ठीकरा दर्शकों के ऊपर फोड़ दिया है और कहा है कि हुडी दर्शकों में से किसी ने उनके ऊपर फेंकी थी। साथ ही साथ शुभ ने ये भी कहा कि चाहे वे कुछ भी कर ले, परंतु लोग उनके खिलाफ बातें करते ही रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद के बीच कंगना रनौत ने भी जमकर शुभ पर भड़ास निकाली और कहा कि उन लोगों द्वारा एक वृद्ध महिला की कायर पूर्णता हत्या का जश्न मनाया गया, जिन्हें उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया था। आगे कंगना कहती हैं कि जब आप पर सुरक्षा करने का भरोसा किया जाता है, लेकिन आप भरोसे और विश्वास का फायदा उठाते हैं और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार देते हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, तो ये बहादुरी नहीं बल्कि कायरता का शर्मनाक कृत्य है। इतना ही नहीं, कंगना यही शांत नहीं हुई। कंगना कहती हैं कि किसी को एक बुजुर्ग महिला पर इस तरह कायरतापूर्ण हमले पर शर्मानी चाहिए, जो निहत्थी और अनजान थी। एक महिला जो लोकतंत्र की चुनी हुई नेता थी, यहाँ महिमा मंडल करने के लिए कुछ भी नहीं है। शुभमन जी, शर्म करो। बता दें, जैसे ही कॉन्सर्ट खत्म हुआ था, जब ही से लोगों ने शुभ को अपने निशाने पर ले लिया था, जबकि शुभ इस मामले पर कई दिनों तक चुप रहे। लेकिन अब शुभ ने सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ लोग मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। लंदन में मेरे पहले शो में दर्शकों ने मुझ पर ढेर सारे कपड़े, आभूषण और फोन फेंके। मैं वहाँ कॉन्सर्ट करने के लिए था, ये देखने के लिए नहीं कि मुझ पर क्या फेंका जा रहा है। टीम ने आप सभी के लिए प्रदर्शन करने के लिए पिछले कुछ महीनों में बहुत कड़ी मेहनत की थी। आपको बता दें, ये सभी बातें ट्वीट कर शुभमन ने कही। देखा जाए तो हाल ही में शुभ पहले भी ट्रोल हो चुके हैं। बता दें कि शुभ पहले भारत का एक दूसरा नक्शा शेयर करने पर ट्रोल हुए थे, जिसके बाद विराट कोहली ने भी और कई अन्य सेलिब्रिटीज ने उन्हें अनफॉलो कर दिया था। साथ ही साथ हाल ही में उनका भारत का दौरा भी रद्द किया गया था। दूसरी ओर देखें तो शुभ का दौरा रद्द होने के बाद भारत में उनकी छवि बदल गई थी। साथ ही साथ शुभ कनाडा से हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा नाम है, जिसकी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भारत और कनाडा में बहुत बड़ी है। लेकिन अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप शुभ के लिए क्या राय रखते हैं और शुभ के हुडी पकड़ने को आप सही मानते हैं या नहीं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।